शांत बसीन एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टोलॉजी चैनल। सो गाइस, कल है मंथली एक्सपायरी, साल भी खत्म होने वाला है एक्सपायरी के थ्रू, एंड डेफिनेटली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला साल आप लोगों का और सब लोगों का बहुत अच्छा जाए। सो अब देखते हैं कि कल की मंथली एक्सपायरी में करना क्या है। आज पूरे दिन मार्केट इतनी ज़्यादा इरिटेटिंग रही है, हमने देखा पूरे टाइम रेंज बाउंड राइन। आखिरी में जब लाइव में आके मैंने आपसे बोला कि चलो अब एग्जिट कर लेते हैं, मार्केट कुछ कर नहीं रही है, और हम लोगों ने पुट्स बाय करी हुई थी और हमने पूरे टाइम वहाँ पर होल्ड रख रहा परचेस ही एग्जिट करें, मार्केट ने टर्न अराउंड। मतलब हमें लगता था कि बेसिकली बैड लगता आज के दिन, बट आई विल शो यू कि आज हुआ क्या था पूरे टाइम पे एंड कल किस तरीके से डिसीजन लेना है। ठीक है, सो आज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है मार्केट, तो उसके बेसिस पर चलेंगे। स्टॉक्स में आज कम देने वाला हूँ, बिकॉज इस तरीके से एक हेवी डाउनफॉल हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था मार्केट के अंदर, उससे कुछ ज़्यादा ही आ गया था आज, तो स्टॉक्स को भी थोड़ा कम डिसाइड करेंगे आज। तो चलते हैं, कल मार्केट में मैं पूरे टाइम लाइव हूँ, टेलीग्राम पे फुल अपडेट्स आपको प्रोवाइड होंगे, तो वहाँ पर ज्वाइन करना मत भूलना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है फिलिप कार्बन। फिलिप कार्बन में अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम ओपन करा हुआ है एंड आप बिल्कुल देख सकते हैं कितनी परफेक्ट ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि मार्च 2020 से बनती हुई देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर इसने एक डबल टॉप क्रिएट करा था, आफ्टर क्रिएटिंग अ वेरी गुड डबल टॉप एक डाउनफॉल आई। इस डाउनफॉल आने के बाद इसने एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन पे एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया, वहाँ पर एक बेस क्रिएट करा, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप चेक करिएगा अगर इस लेवल पे, ये वाली हम लोगों ने एक जोन जो क्रिएट कर रखा है, इस पर्टिकुलर जोन पे अगर आप चेक करेंगे, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करता था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया इस कैंडल ने, उसके बाद यही लेवल इसके लिए सपोर्ट बना और अब इसने दोबारा ब्रेक डाउन दिया। आफ्टर डूइंग द ब्रेक डाउन अब ये इसके लिए दोबारा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करें तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली एक बड़ी मूवमेंट ये स्टॉक दे सकता है। आप एक बार डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड डाउनफॉल ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। करंट प्राइस 236 रुपीस का है, अगर 238 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। बात करें अगर टारगेट की, तो मोस्ट प्रॉबली जो टारगेट निकल के आएगा दैट शुड बी, जो इसका राइट शोल्डर जितना बड़ा है उतना बड़ा ही अपना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच शुड बी अराउंड 250-251 रुपीस का। सो ये था हमारा सबसे पहला स्टॉक फिलिप कार्बन। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है केएनआर कंस्ट्रक्शन। केएनआर कंस्ट्रक्शन का भी वीकली टाइम फ्रेम ओपन है एंड यहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑब्वियसली एक अप ट्रेंड के अंदर है, तो हमारे लिए बाय अपॉर्चुनिटी है। आप देख सकते हैं एक अच्छी अप मूव देने के बाद एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, एक ब्रेकआउट देता है और एक अच्छी रैली दोबारा आती है। आफ्टर दैट ये फिर एक कंसोलिडेशन फेज पे जाता है, अगेन एक ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के टाइम पे एक बार कंसोलिडेट होता है, फिर एक बार और ऊपर जाता है। अब यहाँ पर एक अच्छी इंपल्स मूव देने के बाद बहुत बढ़िया कंसोलिडेट करा, आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल एंड थर्ड फॉल, थ्री वेव रैली डाउनफॉल में करी, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। सो मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पर एक बाइंग सेटअप जनरेट हो सकता है। सो लेट मी शो यू दिस, आप देख सकते हैं एक ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट करा, अगेन ऊपर गया और अपने ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग करी है। सो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है, स्टॉक अच्छा कर सकता है। सो मेरे हिसाब से केएनआर कंस्ट्रक्शन में एक बेट बना के हम लोग डेफिनेटली चल सकते हैं। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 300 रुपीस पे, हम 270 रुपीस का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 340 मिनिमम टारगेट लेकर काम कर सकते हैं। सो आज के दिन हम सिर्फ दो ही स्टॉक्स रिकमेंड करने वाले हैं, कल मार्केट की एक्सपायरी है, ज़्यादा कुछ लेकर चलते नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं और ओपन इंटरेस्ट डाटा। गाइस, निफ्टी के चार्ट पे हम लोग क्लियरली आ चुके हैं एंड आज पूरे दिन हुआ कि आप क्लियरली यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो लेट मी ओपन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, पूरे टाइम मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर ही थी, पूरे टाइम हम लोगों ने एक रेंज बाउंड के अंदर मार्केट को फेस करा है एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं स्टार्टिंग बिल्कुल लास्ट पे एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर हो क्या रहा था मार्केट के अंदर, पूरे टाइम रेंज बाउंड थी मार्केट एंड कल भी रेंज बाउंड थी। सो यानी कि आफ्टर गिविंग अ वेरी गुड गैप अप देने के बाद लगातार दो दिन एक रेंज के अंदर मार्केट सस्टेन कर चुकी है, फाइनली अब एक बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो
अगर हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डाटा की बात करें या फिर उनके प्राइसेस की बात करें एलटीबी प्राइस की, तो वो फॉल नहीं करें। मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने लास्ट के अंदर इतनी बड़ी मूवमेंट देखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कल की मार्केट भी एक रेंज बाउंड रह सकती है। सो मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज ऑन अ डाउन साइड देखने को नहीं मिल सकती, बिकॉज ये बहुत बढ़िया सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है जो कि 17,150 रुपीज़ के आसपास है, और एक अच्छा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है जो कि इस लेवल पे है। सो मोस्ट प्रोबेबली इस रेंज के अंदर ही हमारी पूरी मार्केट सस्टेन कर सकती है। अब ऑन अ डाउन साइड अगर हम बात करें तो पूरे टाइम 17,200 के आसपास सस्टेन करा है। सो अगर हम लोगों को एक छोटा सा रिस्क लेना हो फॉर डिवाइडिंग द रेंज, तो मेरे हिसाब से जो रेंज निकल के आ रही है दैट शुड बी दिस 17,100 to 17,300 रुपीज की। और अभी निफ्टी एग्जैक्टली 17,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो हम लोग यहाँ पर एक प्लानिंग करके रख सकते हैं कि अगर इसी लेवल पे ओपन होता है और इसी लेवल पे शुरुआत के 15 मिनट सस्टेन करता है, तो हम लोग 17,200 का कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके काम कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ, तो हम उधर की तरफ एक डायरेक्शन ट्रेड लेकर चल सकते हैं। सो बट मोस्ट प्रोबेबली मार्केट एक रेंज बाउंड ही रह सकती है। सो बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, एंड उसी के बेसिस पे फिर ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना डिसीजन लेते हैं। सो बैंक निफ्टी पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। लेट मी जस्ट शो यू, ये देख सकते हैं एक फॉल आया था, उसके बाद एक पुल बैक देने के बाद अगेन एक फॉल आया था और अगेन पुल बैक दिया था। तो इस लेवल पे हम लोगों ने 35,100 का पुट बाय करा था, बट पूरे टाइम मार्केट रेंज बाउंड रही थी। एंड लाइव पे मैंने आपसे कहा था कि पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने भी होल्ड करा हुआ है, जो नहीं करना चाहते, स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने होल्ड करा डेफिनेटली उनको बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल गया क्योंकि हम लोगों ने पुट्स बाय करी हुई थी। जो लोग नहीं कर पाए वो लोग डेफिनेटली लॉस में निकले क्योंकि पूरे टाइम मार्केट रेंज बाउंड में थी, तो 10-12 रुपये का पर लॉट के हिसाब से हमें ऑप्शन में लॉस भी हुआ था। कोई बात नहीं, बैड लक कहना चाहे इसे बैड लक कह सकते हैं, बट यहाँ पे आप फॉलो क्या करना है हमारे हिसाब से, जो हम स्ट्रैटेजी प्लान करके चल रहे थे, दैट इज कि इस लेवल पे 35,000 पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है और यहाँ पर एक बाइंग कर सकते हैं। बट ऐसा हुआ नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद बैंक निफ्टी और ज्यादा वीक हो सकता है और निफ्टी रेंज बाउंड ही रह सकता है। तो कल हम लोग बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑन अ अपसाइड डेफिनेटली वो तो कंफर्म दिख रहा है डाटा के बेसिस पे। डाउनफॉल थोड़ी बहुत आ सकती है, बट रिकवरी के चांसेस में आते आते क्लोजिंग होगी। मतलब निफ्टी का अगर हम मान के चले तो 30 पॉइंट्स प्लस और 30 पॉइंट नेगेटिव के अंदर ही क्लोजिंग होने वाली है, और बैंक निफ्टी की भी अंडर 100 नेगेटिव के अंदर ही क्लोजिंग होने वाली है। पॉजिटिव तो मोस्ट प्रोबेबली 50 प्लस हो पाए, तो हो पाए, उससे ऊपर भी नहीं जाएगा। तो एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा के साथ कंफर्मेशन भी ले लें। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हम लोगों ने ओपन कर लिया है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉल राइटर्स 17,300 के अंदर एक्टिव है एंड सेकंड हाईएस्ट 17,400। सो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस और एक सप्लाई जोन डिमांड बनाया था अपने निफ्टी के अंदर, तो 17,300 एक ह्यूज रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अब हम बात करें तो हेवी पुट राइटर्स की, तो पुट राइटर्स हमें यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। सिर्फ 17,100 के अंदर बहुत कम पुट राइटर्स हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर एक चीज मान कर रख सकते हैं कि डाउनफॉल आ सकती है, बट वहां पर एक बढ़िया सपोर्ट मिल जाएगा इन द एंड और मार्केट बाउंस कर देगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कल गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट है, खुलेगा कोई भी प्राइस पे खुलेगा, क्लियरली मार्केट शुरुआत पे नीचे जाने वाली है, 15 मिनट नीचे जाएगी, 5 मिनट नीचे जाएगी, बट खुल के मार्केट नीचे जाने वाली है। उसके बाद हम लोग एक थोड़े टाइम बाद एक रिकवरी देख सकते हैं, ठीक है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं पुट चेंज नेगेटिव 4.5 मिलियन है, यानी कि पुट राइटर्स एग्जिट करे हैं मार्केट से आज और कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस एक्टिव करी है। सो मोस्ट प्रोबेबली कल जिस तरीके से मोमेंटम रहने वाला है, ज्यादातर जो भी कॉल राइटर्स है वो यही प्लानिंग कर रहे होंगे कि पूरा का पूरा प्रीमियम लेकर ही घर जाएंगे। तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग 17,300 के नीचे ही देखने को मिलने वाली है। सो अगर कल बाई चांस गैप अप दिख जाए तो डेफिनेटली वहां पर शॉर्ट बना सकते हो, या फिर 17,300-350 का कॉल को शॉर्ट करके रख सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की, पता नहीं बैंक निफ्टी के अंदर 1.2 कॉल राइटर्स यहाँ 36,500 पे कैसे एक्टिव हो गए हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, बट हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 35,000 के आसपास ही और सेकेंड हाईएस्ट है 35,200।
तो यहां पर भी मोस्ट प्रोबेबली अगर हम लोग एक्सपेक्ट करके रखें तो हर 100-100 पॉइंट पे हाईएस्ट कॉल राइटर्स ही एक्टिव हैं और पुट राइटर्स कहीं पर भी विजिबल नहीं है। सो मोस्ट प्रोबेबली कल अगर इसी लेवल पे खुलता है तो गाइस शुरुआत पे आप एक शॉर्ट बना सकते हो, 5 मिनट के लिए भी बना सकते हो, बट आपको एक शॉर्ट ट्रेड देखने को मिल जाएगा ओन ओपनिंग साइड। इसके बाद शायद एक रिकवरी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे लिए एक शॉर्ट है, सबसे पहला ट्रेड हमारा मार्केट खुलते ही शॉर्ट होने वाला है एंड उसके बाद हमें लॉन्ग जा सकते हैं अगर हमें कोई रिवर्सल दिखता है तो। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। स्टॉक जो आपको दे रखे हैं अगर आपको उसके ऊपर मिलते हैं तो डेफिनेटली एक ट्रेड लेकर काम कर सकते हो और वहां पर आपको अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक दिस वीडियो और मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल नई वीडियो पे।